आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिससे आप सभी वाकिफ होंगे। जी हां, सोशल मीडिया का बढ़ता जाल और उस जाल में फंसती आज की युवा पीढ़ी। फिर दोस्ती, फिर प्यार और फिर शादी, लेकिन इसका अंत होता है या तो धोखे से या फिर खूनी खेल से। जी हाँ, कभी लड़का लड़की से फेसबुक पे प्यार के वादे करके शादी कर लेता है, वहीं जब लड़की दबाव बनाती है घर वालों को बताने के लिए तो लड़का फरार हो जाता है। जिसके बाद लड़की पहुंचती है लड़के के घर और वहां से शुरू होता है एक हाई वोल्टेज ड्रामा। तो वही ऑनलाइन ऐप के जरिए होती है लड़का लड़की की शादी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद पता चलता है लड़के को कि लड़की की पहले से ही कई शादियां हो चुकी हैं। लड़की के घर, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले लड़के की पीट पीट कर अधमरी हालत कर देते हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती हो जाता है। सवाल यह उठता है कि आखिर गलती किसकी है, सोशल नेटवर्किंग साइट की या फिर आज की युवा पीढ़ी की? अगर हम आपको आंकड़े बताने जाएं तो आंकड़े बहुत हैं, लेकिन पिछले एक साल की बात करें तो ऐसी घटनाएं 3 से 4 हजार बढ़ चुकी हैं घटने के बजाय। वहीं सोशल मीडिया पर आए दिन लड़के लड़कियों को एक दूसरे से प्यार होता है, शादी करते हैं, जिसका हर जाना भुगतना पड़ता है परिवार वालों को। कभी कभी ऐसी घटनाएं युवा पीढ़ी या उनके परिवार वालों के लिए घातक भी हो जाती है। सोशल मीडिया सही है? अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया जहां कुछ सिखाती है, वहीं कहीं ना कहीं फायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। नुकसान की अगर हम बात करें तो वो पूरा के पूरा आप पे निर्भर करता है कि आपको किस तरह से लेते हैं उस सोशल मीडिया को। अगर आप इन सारे वारदातों को देखें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आपके आपके ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट पहुँचाता है, लेकिन अगर वही हम बात करें कुछ फायदे की तो कहीं ना कहीं उससे बहुत सी चीजें जो है हमें सीखने को मिलती है। किस ओर लेकर के जाते हैं, तो दूर रखें अपने आप को ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्यार मोहब्बत से।
क्योंकि आपकी एक गलती आपके और आपके परिजनों को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। नमस्कार। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।